के साथ रेगुलर पिज्जा पे, सो प्लीज गो ऑर्डर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोमैडिक प्लैटर्स। और बहुत सारा थैंक्स सबको इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए मेरे पिछले 3 वीडियोस को, और उसको और थोड़ा प्यार दीजिए। अपन कोशिश करते हैं कि फर्स्ट वीडियो को ट्रेंडिंग में लेके चले वापस से। और क्या बोलते हैं, मेरे वीडियोग्राफर, मेरी टीम को भी बहुत थैंक यू जिन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। और अब आते हैं मेन टॉपिक पे। आज हम जा रहे हैं जगह जहाँ हम पहले भी जा चुके हैं, आप पिछले 3 वीडियो में देख चुके हैं, और आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड पे हम इस बार लेके आ रहे हैं वेज डिशेस। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरी जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी फैमिली जो आप बन चुके हैं, वो आप लोग इडिशा फीस्ट पार्क जाएं और फिर वहाँ पे सिर्फ नॉन वेज हैं बोल के बोर हो जाएं। ऐसा नहीं, वहाँ वेजिटेरियन आइटम्स भी बहुत सारे हैं। आज जाके चेकआउट करते हैं कि क्या क्या बेहतरीन आइटम्स हैं, कोशिश करते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें खिला सकें। कहाँ पहुँच गई हूँ, तो हम आ चुके हैं इडिशा फूड पार्क। ये बेसिकली अवंती विहार में है, हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में। आपको इसका जो एड्रेस का लिंक है, जो मैप का लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए। और हम आज ट्राई करने वाले हैं ईट एंड मीट, इनकी स्पेशलिटीज हैंडमेड पिज्ज़ाज, और ट्राई करते हैं। आई लव पिज्ज़ाज, आई थिंक यू गाइस आल्सो लव पिज्ज़ाज, एवरीबॉडी लव्स पिज्ज़ा, हु डजंट। तो ट्राई करते हैं और देखते हैं उनका, क्योंकि देयर इज वन वेरी यूनिक नेचर अबाउट इट्स पिज्ज़ा, और वो मैं आपको अंदर जाके बताती हूँ। तो चलिए लेट्स फॉलो। ओह, वी जस्ट सॉ द एग फ्यूजन अड्डा। दिस इज द वेरी पर्टिकुलर प्लेस विच वॉज नोन एज पहलवान जी ऑन माई वीडियोज, दे जस्ट स्विच देयर नेम टू एग फ्यूजन अड्डा। एंड आप लोगों को पता है कि अब तो सबको पता है कि एग्जैक्टली कहाँ आना है। चलिए देखते हैं। तो हम आ चुके हैं ईट एंड मीट, एंड आई थिंक कि कुछ प्रेपरेशंस चल रही हैं। शेफ, पिज्ज़ा की प्रेपरेशंस चल रही हैं। तो पिज़्ज़ा की प्रेपरेशंस चल रही हैं अभी, उनको प्रेप करने का थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। लेट हिम प्रेप एंड देन लेट्स सी कि वो पिज़्ज़ा बनता कैसे है। वील कवर दैट होल एंड वील ट्राई इट आउट। तो अब हम अंदर आ चुके हैं हमारे ईट एंड मीट में, और हमारे शेफ रेडी हो गए हैं। तो देखते हैं अभी कौन सा शेफ कौन सा पिज्ज़ा खिलाने वाले हैं। फ्रेश वेजिटेबल, तो आप ट्राई करके देखते हैं कौन सा है, क्या है, कैसा है, बिकॉज आई हैव हर्ड अमेजिंग थिंग्स अबाउट देयर पिज्ज़ा। ट्राई करते हैं फिर पता चलेगा, तो देखते हैं कैसे बनता है। तो अब शेफ हमको बता, आपको और मेरे को, हम सबको बताने वाले कि वो पिज्ज़ा कैसे बनाएंगे। तो शेफ लेट्स स्टार्ट। फ्रेश डो से बनाएंगे, जो खुद तैयार करते हैं। तो ये फ्रेश डो यहीं पे प्रिपेयर्ड है, यही मैं बता रही थी कि इनके हैंडमेड पिज्ज़ाज हैं, क्योंकि ये डो भी यहीं प्रिपेयर करते हैं। इट इज़ नॉट ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड, किसी शॉप से खरीदा नहीं गया है, शेफ ने खुद बनाया है। तो बेसिकली शेफ हमको अभी वही बता रहे थे कि इस पिज्ज़ा का जो क्रस्ट है वो थिन क्रस्ट है, एंड आई लव थिन क्रस्ट पिज्ज़ा, क्योंकि उसमें एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ ये है कि आपकी बॉडी में, इवन इफ यू आर ईटिंग अ पिज्ज़ा, बट उतना मैदा नहीं जा रहा, तो इट बिकम्स अ बिट हेल्दियर। ताकि जो सॉसेज हैं, पिज्ज़ा सॉस है जो, वो बेस में अंदर तक जाए और वो अच्छे से कुक हो सके, उसमें बबल्स भी ना आए ताकि। उसमें चीजिंग कर लेंगे, मोज़रेला चीज़ जाएगी। फ्रेश वेजिटेबल में जो मेन तीन ही एक्चुअली टॉपिंग्स जाती हैं इनके पिज्ज़ा में, फ्रेश वेजिटेबल पिज्ज़ा में, वो है अनियन,
टमेटो एंड कैप्सिकम। दिस द फाइनल टॉपिंग वेंट इनटू द पिज्जा। आखिरी टॉपिंग चली गई है। अब क्या करने वाले हैं शेफ, इसको ओवन में लेके जाएंगे? ओवन में जाएगा ये लगभग 8 मिनट के लिए। ओके, ये जाएगा ओवन में अब लग 8 मिनट के लिए। और किस टेम्परेचर पे प्री हीट किया आपने ओवन को? ये 300 डिग्री पे है। ओके परफेक्ट। अब ओवन में जा चुका है हमारा पिज्जा और 8 मिनट के लिए गया है। 8 मिनट में वो बढ़िया से बेक होके बाहर आ जाएगा और फिर देखते हैं कि कितना अमेजिंग लगेगा, बिकॉज उसमें चीज गया एंड माई मोस्ट फेवरेट थिंग इज चीज, नो डाउट। और फिर उसके साथ वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ पिज्जा टेस्ट डिलीशियस। और फिर ये कुछ अलग ही है स्क्वायर पिज्जा, तो देखते हैं कैसा है। अब निकलने वाला हमारा पिज्जा, देखते हैं कैसा लग रहा है। ओह माय गॉड, डिलीशियसली गोल्डन। अब होने वाली है हमारी पिज्जा की कटिंग, तो शेफ जल्दी से कट कीजिए ताकि मैं टेस्ट कर सकूं। अगर एक बंदे में इतनी कैपेसिटी है कि वो 4 स्लाइसेस खा सकें तो प्लीज एक बंदा ऑर्डर करें, नहीं तो 2 लोग खा सकते हैं आराम से। लेट्स ट्राई। और हम करने वाले इसकी टेस्टिंग, बिकॉज मैं रुक नहीं पा रही थी अंदर जाके बैठने के लिए, तो मैं यहीं खाना शुरू कर रही हूँ, बट आप लोग अंदर आराम से लेके बैठ सकते हैं। अब खा के देखते हैं। Pretty well cooked. You must try. तो आइए जानते हैं इस पिज्जा के बारे में और। तो सर, आपके जो ये पिज्जा हैं, ये और वेराइटीज में भी अवेलेबल है? जी बिल्कुल है। ऑलमोस्ट कितनी वेराइटीज हैं? ऑलमोस्ट 15 टू 16। ओके, तो 15 टू 20 हो। ऑलराइट, तो 15 टू 20 वेराइटीज के पिज्जा हैं। और क्या ये जोमेटो और स्विगी में? दोनों पर है। तो जितने लोग घर बैठे हैं जो अपने हेल्थ की यहाँ पे इस टाइम पे, बिकॉज इट्स कोरोना टाइम, आई डू नॉट सपोर्ट कि सब लोग यहीं आके खाएं। जिन लोग घर में ऑर्डर कर सकते हैं, प्लीज़ ऑर्डर इन स्विगी एंड जोमेटो। दीज ऑल दीज पिज्जाज आर अवेलेबल देयर। बिल्कुल स्विगी और जोमेटो कीजिए, खाइए, टेस्ट कीजिए और हमें रिव्यू दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये पिज्ज़ा। तो प्लीज़ कॉमेंट्स में बताइए और कि आपको और क्या अमेजिंग चीज़ें देखनी है। अनटिल देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट एंड प्लीज शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है बाई ईट एंड मीट कि इनके जो पिज्जाज हैं, इसमें जो भी आप आएंगे और लार्ज पिज्जा ऑर्डर करेंगे उसके साथ एक रेगुलर पिज्जा फ्री। यू कैन हियर मी वेरी क्लियरली, लार्ज के साथ रेगुलर पिज्जा फ्री। सो प्लीज गो ऑर्डर।